गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कहा, शुक्रवार की जुमे की नमाज अपने अपने जनपदों में सकुशल संपन्न कराएं अधिकारी, कहीं पर भी न होने पाए कोई समस्या। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा की अध्यक्षता में कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र में किया फ्लैग मार्च, लोगों से की वार्ता। कहा, शुक्रवार को जुमे की नमाज होगा सकुशल संपन्न, लोगों ने दिलाया है भरोसा। अग्निपथ योजना के खिलाफ जनपद के युवाओं में भी देखने को मिला आक्रोश। जीरो पॉइंट कालेश्वर पर किया प्रदर्शन, युवाओं ने केंद्र सरकार को संबोधित। ज्ञापन एसडीएम सहजनवा के माध्यम से किया प्रेषित। एसपी नॉर्थ ने कहा, ज्ञापन लेकर समझा बुझाकर युवाओं को कराया गया शांत। गोरखपुर में शुक्रवार को 255 बेटियों के हाथ पीले कराएगी योगी सरकार। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत महंत दिग्विजयनाथ स्मृति पार्क में होगा भव्य आयोजन। योजना के तहत प्रदेश में 2 लाख से अधिक बेटियों का विवाह करा चुकी है सरकार। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा की अध्यक्षता में शांति व्यवस्था के दृष्टिगत किया गया दंगा नियंत्रण अभ्यास। कहा, शुक्रवार को जुमे की नमाज पर नहीं होने दिया जाएगा जनपद में कहीं कोई समस्या। अराजकता फैलाने वालों के ऊपर की जाएगी कड़ी कार्रवाई, तैयारी है पूरी। कैंपियरगंज पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल चोरों को किया गिरफ्तार। 3 चोरी की मोटरसाइकिल किया बरामद, एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। बुधवार को जनसुनवाई के दौरान कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने 2 थानाध्यक्षों को लाइन हाजिर सहित 4 उपनिरीक्षक को किया निलंबित। कहा, आगे भी जनसुनवाई की चलती रहेगी कार्यवाही, लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मी पर होगी कार्यवाही। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीओ उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा कि महानगर के विकास के लिए अगले 20 साल के लिए बनाई जा रही है महायोजना। सभी विभागों से लिया जा रहा है सुझाव, सुझाव मिलने के बाद बोर्ड की बैठक करके किया जाएगा पास। 3 महीनों के अंदर ही लोगों को मिलेगा महायोजना का लाभ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने मंडल के सांसद निधि के कार्यों की समीक्षा बैठक। सांसद निधि के बचे पैसों से कार्य करवाने के लिए दिए निर्देश। ड्रोन के माध्यम से एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने गोरखनाथ मंदिर से आसपास के घरों पर रखे ईंट पत्थरों की निगरानी। कहा, जिनके भी घरों पर रखा है ईंट पत्थर उनको हटाने के लिए घरों पर दिया जाएगा नोटिस। देश में बढ़ रही इस्लामिक जिहादी कट्टरता और हिंसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर बजरंग दल के प्रांत संयोजक एवं सह संयोजक के नेतृत्व में एसडीएम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को प्रेषित किया गया ज्ञापन। कहा, रोका जाए किसी को भी जिहादी और देश विरोधी भाषण देने से। गुरुवार से जनपद में परिषदीय स्कूलों में पढ़ाई हुई शुरू। टीका लगाकर व चॉकलेट देकर बच्चों का हुआ स्वागत। इस भीषण गर्मी में भी बच्चे दिखे काफी उत्साहित। और मौसम पर जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा कि अगले 5 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में चलेगी तेज हवाएं, होंगी छिटपुट बारिश। अब खबरें विस्तार से। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि शुक्रवार को जुमे की नमाज है
सभी जिलों में शांति व्यवस्था बनी रहे, कहीं पर भी किसी तरह की घटना नहीं घटनी चाहिए। सभी अधिकारी जिलों को सेक्टर में बांटकर अधिकारियों की ड्यूटी लगाएं। मजिस्ट्रेट और पुलिस संवेदनशील क्षेत्रों की मॉनिटरिंग करते रहें। अगर जरूरत पड़े तो सभी अधिकारियों की VC के माध्यम से बैठक कर लें। उन्होंने कहा, पिछले शुक्रवार को प्रयागराज सहित अन्य जिलों में हिंसा हुई थी, लेकिन उसके बाद कार्रवाई भी हुई है जिसको पूरा देश देख रहा है। इसलिए सभी जिलों के ADG, DIG, SSP ध्यान देंगे कि किसी भी जिले में किसी तरह की हिंसा ना होने पाए। इस अवसर पर मंडलायुक्त सभागार में ADG जोन अखिल कुमार, मंडलायुक्त रवि कुमार NG, DIG जे रविंद्र गौर, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा, ADM City विनीत कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कल रात में एक डिस्कशन हाई लेवल पे माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर हुआ था और आपने देखा होगा कि आज जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी कुछ लोगों ने इंटरिम एप्लीकेशन डाली थी रिगार्डिंग दी एक्टिविटी विच हैड बीन अंडरटेकन इन प्रयागराज एंड कानपुर एंड यू हैव सीन दैट बट ऑब्वियसली द एंटायर इशू विच is there in the state of UP, particularly on Fridays, is in focus. Given that scenario, we were asked कि ये लोग सबको मुझे भी कहा गया कि आप लोग से एक बहुत short VC कर लें और उसमें जो basic issues हमको take up करने हैं और आप भी notice के साथ ही हमने आपको भेज दिया था। तो बहुत strongly district administration और police ने control में किया है, हालांकि मेरी ये मानना है कि अगर हम और थोड़ा विजिलेंट होते यहाँ भी कानपुर में प्रयागराज में एक्शन हुआ, बहुत स्ट्रांग एक्शन हुआ है एंड इस सब एक्शन की नजीर भी पूरे देश प्रदेश में देखी जा रही है। मैं चाहूंगा अभी आप लोग वक्त के बाद प्रत्येक थाने में पीस कमेटी की बैठक हो गई कि नहीं, 3 सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बैठक हो गई कि नहीं, 4 प्रांतीय और उनकी सेक्टर स्कीम और पुलिस का डिप्लॉयमेंट इंश्योर कर लिया कि नहीं, टुगेदर विद ट्रेनिंग ऑन द ग्राउंड, 5वां सब रिजनशील जिलों में वीडियोग्राफी की व्यवस्था, इन 5 बिंदुओं पर आपसे हम वन बाय वन डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। आजमगढ़ और रामपुर जिले के अधिकारियों को यहाँ बैठने की अभी आवश्यकता नहीं है बिकॉज उनका चुनाव का समय है, भी करने की आवश्यकता होगी। मैं इन बिंदुओं के साथ और संक्षिप्त में आपके समक्ष ये बिंदु रख रहा हूँ। मुद्दा केवल ये कहना चाहूँ, सभी हमारे ADG, CPs, IGs, DIGs और SP, SSPs को कि अब आगे कहीं कोई प्रॉब्लम आने नहीं चाहिए। We know we have any number of reports, हम लोग कई बार VC कर चुके, कई बार बैठक कर चुके, कई बार बातचीत कर चुके, कई बार आप लोग आश्वस्त कर चुके, तो अब इतनी कार्रवाई और इतनी मेहनत जब हो गई है तो थोड़ी भी चूक किसी भी जिले में किसी भी कस्बे में होने को भी जिले में भेजा है यहाँ से मुख्यालय में, वो आप लोगों को ऑर्डर्स मिल जाएंगे। कुछ जो फील्ड के ऑफिसर्स हैं उनका टैक्टिकल हेडक्वार्टर जो है वो सीनियर ऑफिसर कहाँ मौजूद रहेंगे और उनको वहाँ मौजूद रहकर फिर अपने फोर्सेस को उसको आपको ग्रीन इमरजेंट प्रॉब्लम आती है तो आपको इमीडिएटली अपने प्रॉब्लम एरिया के लिए मूव करना चाहिए। आप लोगों ने काफी डिटेल्ड एक्सरसाइज एंटी राइड इक्विपमेंट सेंसिटिव एरिया में विदाउट एंटी राइड इक्विपमेंट नहीं होना चाहिए और किसी बार गवर्नमेंट के हाईएस्ट लेवल। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा की अध्यक्षता में कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि फ्लैग मार्च के दौरान लोगों से बात की गई है कि सभी लोग शांति बनाए रखें, कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। वहीं SSP विपिन ताड़ा ने बताया कि जिलाधिकारी के साथ में फ्लैग मार्च किया गया है और क्षेत्र में सभी लोगों से वार्ता की गई है। लोगों ने बताया कि कल जुमे की नमाज में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, अगर कोई अराजक तत्व माहौल खराब करने की किसी प्रकार के प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, कल का दिन सकुशल संपन्न होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा और जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा,
अरे यार यार क्या रहे नाम एक बोलता गाड़ी किधर है भाई? जरा अस्पताल जाना है। जीतू है पीछे, जीतू पीछे 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 कैमरा आता इसमें हमने आज फ्लैग मार्च किया है। मैंने और जिलाधिकारी महोदय ने फोर्स के साथ में, मजिस्ट्रेट्स के साथ में, और क्षेत्र में सभी लोगों से वार्ता की गई और सभी लोग बड़े अच्छे से बताए हैं कि कल के दिन में कोई समस्या नहीं आएगी, कोई बंद नहीं होगा। किसी प्रकार का कोई अगर अराजक तत्व कोई आने का प्रयास भी करेगा गड़बड़ फैलाने का, तो उसको लोगों द्वारा रोका जाएगा और कोई दिक्कत आएगी नहीं। पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद रहेगी और लगातार सब भ्रमण पर रहेंगे। कल का दिन सकुशल संपन्न। स्थिति बहुत पॉजिटिव है, हम लोगों ने कुछ लोगों से बात भी की, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है लोगों का और सभी शांति ही चाहते हैं एंड सभी अच्छे से अपना जो भी है रूटीन काम हो करके अपना निकलना चाहते हैं। हम लोग तो बस एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में आए हैं, अगर किसी को कोई समस्या हो तो बताएं, ऐसा कुछ समस्या निकल के नहीं। थैंक यू।
अग्निपथ योजना के खिलाफ जनपद के युवाओं में भी आक्रोश देखने को मिला। आपको बता दें कि गुरुवार को युवाओं ने खजनी से पैदल विरोध करते हुए सहजनवा कालेसर जीरो पॉइंट पहुंचकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी करने लगे। युवाओं का कहना है कि पहले 3 साल से सेना में भर्ती नहीं हो रही थी, अब सिर्फ 4 साल की नौकरी वाली योजना पेश कर दी है, यह हमारे लिए धोखा है। वहीं प्रशासन और पुलिस ने युवाओं को समझा बुझाकर शांत कराया, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जो योजना लागू की गई है, इसके विरोध में कालेसर चौराहे पर करीब 200 युवा एकत्रित होकर प्रदर्शन कर रहे थे तथा उनको समझा बुझाकर और उनका ज्ञापन लेकर वापस कर दिया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, नहीं जी नहीं खड़े होते सरकार पर, सरकार की नई योजना में हम युवा को अगर उसमें छूट नहीं दी गई तो हम बेरोजगार हो जाएंगे और सेना में भर्ती होने की इच्छा पीछे चली जाएगी। हम लोग की नीति मांगे हैं कि जो पूर्व युवा छात्रों के भविष्य को ध्यान में भर्ती नहीं हुई है उसके बाद अर्थात कोविड कार्ड को जोड़ते हुए कम से कम 3 साल की उम्र की छूट देने की कृपा करें। समय समय पर सेना की आयोजित परीक्षा जो निरस्त कर दी गई है, हम युवा का भविष्य सुधर सकते हैं। जो युवा छात्र मेडिकल और जो उनकी परीक्षा पास हुई रिकॉर्डिंग खोलने सुशांत यादव। देखिए सर, हम लोग ये की मांग है टूर ऑफ ड्यूटी जो अभी लागू हो रहा है 4 साल के लिए सेना में, वो हटाई जाए, पुरानी प्रक्रिया बहाल हो, जैसे कि पहले भर्ती होती थी उसी प्रक्रिया से भर्ती हो, और जो हमारे भाई ओवर एज हो गए हैं भर्ती न आने के कारण उन्हें आयु में 2 साल की छूट दी जाए, यही हमारी मांग है। इसी मांग के लेकर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। माननीय जिलाधिकारी महोदय ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि हम आपकी बातों को ऊपर तक पहुँचाएंगे। उनके आश्वासन के बाद हम लोगों ने इस धरने को आरोप किया है। सुना, अगर हमारे इन विचारों पर कार्रवाई नहीं की जाती है, हमारी बातों को सुना नहीं जाता, तो पुनः यह प्रक्रिया हम लोग अपनाएंगे और पुनः हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। जी, माननीय जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने लिखित तौर पर दिया है, उन्होंने खुद लिखित तौर पर दिया और इस मामले को निर्णय लिया, तो उन्होंने कहा कि जल्द कार्रवाई की जाएगी और इसे ऊपर तक भेजेंगे। जो केंद्रीय सरकार द्वारा अग्निवीर योजना लागू की गई है, इसके विरोध में कालेश्वर चौराहे पर काफ़ी संख्या में छात्र एकत्र हुए गए थे, उनको समझा बुझा के और उनका ज्ञापन लेके उनको वापस कर दिया गया। लगभग 150 से 200 की संख्या में छात्र जाम किए थे सर, रास्ता नहीं जाम किए थे लेकिन इकट्ठा हो गए थे, वहां से पदयात्रा किए थे। बेटी का विवाह किसी भी अभिभावक के जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। आर्थिक रूप से कमजोर अभिभावकों के लिए तो बेटी की शादी करना पहाड़ का बोझ उठाने जैसा होता रहा है, पर मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही योगी आदित्यनाथ ने गरीब बेटियों की शादी का जिम्मा अपनी सरकार पर डाल दिया है। सीएम योगी के कार्यकाल में 2 लाख से अधिक कन्याओं का विवाह मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत संपन्न हो चुका है, यह सिलसिला जारी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत शुक्रवार को गोरखपुर में 255 बेटियों के हाथ पीले कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत भव्य आयोजन महंत दिग्विजय नाथ स्मृति पार्क में होगा। आयोजन में जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी मेजबान की भूमिका में 9 दंपतियों को आशीर्वाद देंगे। मौके पर ही वर वधु पक्ष से आमंत्रित लोगों का सहभोज भी होगा। वर वधु पक्ष को सुबह 9 बजे आमंत्रित किया है। गुरुवार को आयोजन स्थल पर पंडाल लगाने के साथ साज सज्जा की जा रही है।
मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष कुमार पांडे, जिला पूर्ति अधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर अब तक की गई तैयारियों की समीक्षा की। जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि 6 ब्राह्मण पुरोहित एवं 1 मौलवी शादियां संपन्न कराने के लिए आमंत्रित किए गए हैं। 9 बजे से ही लाभार्थियों का आवागमन होगा, 12 बजे मांगलिक अनुष्ठान शुरू हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि 2017 में पहली बार सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत कराई थी। इस योजना का उद्देश्य शादियों में अनावश्यक प्रदर्शन और फिजूल खर्ची को खत्म करने के साथ ही गरीब परिवारों की बेटियों के ऐसे विवाह की व्यवस्था करना है जिसमें जिले के VIP जुटे हों। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रति लाभार्थी 51,000 रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें 35,000 लाभार्थी कन्या के खाते में, 10,000 का सामान और 6,000 रुपए प्रति लाभार्थी आयोजन पर खर्च होगा। सामान में वर और वधु के वस्त्र, साफा, चुनरी, चांदी के पायल बिछिया, टीन का बक्सा, बर्तन, प्रेशर कुकर आदि दिए जाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, दिव्यनाथ पार्क में कल 17 जून को 255 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न होगा, जिसकी तैयारी कंप्लीट कर ली गई है। जो जोड़े इसमें आएंगे उन सबों को 51,000 रुपये की धनराशि सब जोड़ करके उन पर खर्च होगा, जिसमें से 35,000 की धनराशि प्रति लाभार्थी कन्या के खाते में जाएंगे और 10,000 का सामान और 6,000 रुपया उनके लाभार्थी पर आयोजन विभाग के आयोजन पर खर्च होगा। इसकी जो तैयारी है वो ऑलमोस्ट पूरी हो गई है, सारी तैयारियों को पूर्ण करा लिया गया। इस पूरे विवाह समारोह में 1,30,00,000 की धनराशि खर्च होगी और लगभग 255 जोड़े कल विवाह मंडप में सामूहिक विवाह में विवाह सूत्र में एक दूसरे से बन जाएंगे। इसके लिए सभी अधिकारी जो जिला समाज कल्याण अधिकारी CTO सर की अध्यक्षता में जिला समाज कल्याण अधिकारी और अन्य जो संबंधित अधिकारी सब इसके लिए जोर शोर से लगे हुए हैं। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा की अध्यक्षता में पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड पर शांति व्यवस्था के दृष्टिगत दंगा नियंत्रण का अभ्यास किया गया, जिसके संबंध में SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि सभी पक्षों से वार्ता की गई है और सभी पक्षों द्वारा आश्वस्त किया गया है कि शुक्रवार को जुमे की नमाज पर कोई समस्या नहीं आएगी, शांति व्यवस्था बनी रहेगी, जिसको संपन्न कराने के लिए पुलिस की अलग अलग टीमों ने अपनी तैयारियां की हैं। गुरुवार को पुलिस और स्ट्रीट ने मिलकर दंगा नियंत्रण योजना व बलवा ड्रिल का अभ्यास किया। इसी तरह से सभी धर्मगुरुओं से बात की गई है। जिले के सभी पुलिसकर्मी व मजिस्ट्रेट के द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में भ्रमण किया जा रहा है। प्रयास है कि शुक्रवार को नमाज सकुशल संपन्न होगा और कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आएगी। यदि कहीं कोई अराजकता फैलाने का प्रयास करता है तो पुलिस सख्ती से निपटेगी और कार्रवाई करेगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, ADM सिटी विनीत कुमार सिंह, SP साउथ अरुण कुमार सिंह, SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी, CO खजनी अनिल कुमार सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ADM सिटी विनीत कुमार सिंह और SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, IPC 141 में दुर्घ जमा को परिभाषित किया गया है और जब वो अपने सामान्य उद्देश्य को अलक्षित करने के लिए बल या हिंसा पे उतारे हो जाते हैं तो बलवा के दोषी हो जाते हैं। ऐसे बलवाइयों को तितर बितर करने के लिए हमारे कानून ने हमें कुछ प्राविधान दे रखा है, जिसका उल्लेख हमारे CRPC की धारा 129-31 और पुलिस रेगुलेशन 70 में किया गया है। CRPC की धारा 129 कहती है कि सिविल बल के प्रयोग द्वारा भी हम विरोधी जमाव को तितर बितर कर सकते हैं। इसके लिए उत्पत्ति में उप निरीक्षक या उससे वरिष्ठ कोई भी पुलिस अधिकारी सबको एक पार्टी दीजिएगा आज शाम को, मेरी तरफ से पूरी टीम को 5100 रुपए नकद पुरस्कार और जो ड्रिल के इंचार्ज हैं उनको 1100 रुपए नकद पुरस्कार है। और ये ड्रिल का और कानून का पालन करते हुए विधि अनुसार ही इस प्रक्रिया को प्रयोग में लिया जाए। मेरी आप सभी को शुभकामनाएं और अपने जो एंटी राइड उपकरण है उनको पूरा भली भांति सभी लोग तैयार रखें, जब जरूरत पड़े तत्काल पहनकर ही निकले। बिना एंटी राइड उपकरण के कभी भीड़ के सामने न जाएं, चाहे बातचीत भी करने जा रहे हैं एंटी राइड उपकरण धारण करने के बाद बातचीत करें।
क्योंकि भीड़ में 500,000 लोग होते हैं, कौन आदमी पत्थर चला दे कब, ये आप नहीं जान पाओगे और एक आदमी को भी चोट लग जाएगी तो पुलिस बल का नुकसान है। इस बात का ख्याल रखें। मेरी आप सभी को शुभकामनाएं। मैं चाहूंगा हमारे डीएम महोदय जो है वो भी आपसे दो शब्द कहें। धन्यवाद। जब ये तीन भी होगा फिर लीवर आजाद होगा तो जाके नीचे ठोकर मारेगा सर। इसमें भी स्टंट पोजीशन भरा है तो उसमें आग पैदा होगी और वो आग इस जो धुएं वाले मटेरियल है उसमें आग पैदा कर देगी सर, जो जल करके धुआं देगा। सिस्टम है सर, ये धमाका देगा, ये इसका सिस्टम है सर। पिन सीधा कर लिया, उसके बाद हमने कलमे वाली और उंगली और अंगूठे के बीच में इसको घुसाया, पिन को खींचा, थ्रोइंग पोजीशन बनाया सर और थ्रो के आगे 45-50 ये अभी बंद। महोदय फायरिंग पार्टी की कार्रवाई की अनुमति चाहते हैं। मैं सर द्वारा लिखित अनुमति ले लिया गया सर, सर हमारे सीनियर ने लिया सर, हमें उन्होंने आदेशित किया है कि आप फायरिंग कार्रवाई करिए। ठीक है, हाँ रबर बुलेट करे, स्टिंग ग्रेनेड करे, गैस वाले फायर ना करें। फायरिंग के दौरान सावधानी दें, सावधानी का ध्यान रखें, एक साथ जाएं, एक साथ फायर करें और एक साथ वापस आएं। सर ने रबर बुलेट का फायर किया है जो 45 गज दूर जाकर रिपोर्टिंग होकर आगे गया, चूंकि वहां पे बहुत ज्यादा घास थी इसलिए वो रिफ्लेक्ट नहीं हुई और वो टकरा के रिकोचिट नहीं हुई घास की वजह से। अगर घास नहीं होती, कोई ठोस सतह होती तो उछड़ उछड़ के वो कई बल्लों को कोटिंग करती। स्टैंडिंग पोजिशन से फायरिंग पोजिशन बनाई, सर ने पहले हवा का रूप देखा, हवा किधर से आ रही है, हवा का रूप सर के दाहिने से बाएं थी, उन्होंने कांच इनको हटवा दो, अब बलवायु को उधर से आ गए थे। जैसा कि आगे जाकर के हवा में हम लोगों ने देखा वो दो भागों में बट गया, एक धमाका दिया और दूसरा धुआं दे रहा है, वो टू इन वन सेल था, एक धुआं देने वाला दूसरा धमाका देने वाला। अरे अब वो फायर ना करे भाई, जैसा कि बलवाही नहीं माने उनके ऊपर आश्रु गैस सेल का फायर किया गया था, यह लॉन्ग रेंज सेल था सर द्वारा। अभी रबड़ बुलेट का फायर हुआ, रबड़ का जो 3 इंच लंबा गुटका था जो गया बलवाइयों को चोटिल किया, कुछ बलवाई भगे लेकिन फिर भी बलवाई वहां पड़े हुए। इसके बैरल के आगे मत जाइए, बैरल के पीछे रहिए। इसमें बताते रहो कैसे कैसे फायर करना है, एम कैसे लेना है। सर ने फायर करते समय स्टैंडिंग पोजीशन से फायर कर रहे हैं, एंगुलर फायर सर ने कर रहा है, सर कर रहे हैं। अब पैर थोड़ा सा खुला हुआ, अगले पैर में थोड़ा सा कम है। सर ने पहले हवा का रूप देखा और उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक 2-in-1 सेल फायर किया है जो आगे जाने के बाद। जो
जुमे के नमाज को लेकर और इसके अतिरिक्त आम दिनों में भी हमारे और मजिस्ट्रेट और पुलिस के द्वारा सतर्कता बरती जा रही है। कहीं से भी किसी प्रकार के ऐसे तत्व शरारती तत्व जो शहर का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं उनको लेकर व्यापक निगरानी हो रही। इसमें हम लोग सोशल मीडिया की भी निगरानी करा रहे हैं, जिसमें कोई अगर आपत्तिजनक सामग्री पेश करता है या उत्तेजक सामग्री पेश करता है जिससे माहौल ख़राब हो सकता है उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस और मजिस्ट्रेट के साथ निरंतर क्षेत्र में भ्रमण किया जा रहा है, लोगों से संवाद स्थापित किया जा रहा है, धर्मगुरुओं से संवाद स्थापित किया जा रहा है और हमारा प्रयास है पब्लिक के बीच में रहकर उनसे संवाद स्थापित करके शहर के माहौल को जिस तरह से अभी चल रहा है उसी तरह से बनाए रखें और पूरी तरह से शांति स्थापित रहे। इसके अतिरिक्त हमारी पूरी तैयारी फोर्स को लेकर भी है। आज पुलिस लाइन में हम लोगों के द्वारा पुलिस और मजिस्ट्रेट के द्वारा ज्वाइंट रूप से दंगा नियंत्रण का उपकरणों का ड्रिल भी किया गया है, मॉक ड्रिल, और पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए। शहर में धारा 144 लगाया गया है। विभिन्न शहर में जो परीक्षाएं आयोजित होती हैं, लगभग इसमें अभी BCS की परीक्षा बीती है पिछले हफ्ते, इसके अतिरिक्त आगे आगामी परीक्षाओं को लेकर, आगामी जो त्यौहार आने वाले हैं उनको लेकर और किसी प्रकार की शांति भंग होने की संभावना के दृष्टिगत धारा 144 लगाई गई है। लोगों को इस बात के लिए निषेधित किया गया है, किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन जुलूस इत्यादि बिना मेरे परमिशन के नहीं निकाल सकते हैं, और यदि उनको कोई धरना प्रदर्शन या जुलूस निकालना है तो पहले हमसे परमिशन मांगेंगे। और कहीं भी कोई व्यक्ति 5 से अधिक व्यक्तियों का कोई ऐसा जमावड़ा जो भी विरुद्ध उद्देश्य से एकत्रित होता है वो प्रतिबंधित किया गया है, और लोगों को के लिए ये निर्देश है हमारी तरफ से कि उसका 100% अनुपालन करें। और यह अनुपालन तुरंत उल्लंघन की दशा में धारा 188 IPC के तहत उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी प्रस्तावित की जाएगी। जी, सभी पक्षों से वार्ता की गई है और सभी पक्षों द्वारा आश्वस्त किया गया है कि कल कोई समस्या नहीं आएगी, शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। इसमें पुलिस ने भी अपनी तैयारी अलग अलग रूप से की है, हमारी सभी टीमों ने तैयारी की है। आज सुबह पुलिस और मजिस्ट्रेसी के मिलकर दंगा नियंत्रण योजना का जो प्रशिक्षण है वो भी किया है, उसका अभ्यास किया है और बलवा ड्रिल की अभ्यास किया है। इसी प्रकार से जो धर्मगुरु हैं उनसे भी वार्ता की गई है, सभी पक्षों के जो लोग हैं उनसे वार्ता की गई है। अधिकारियों द्वारा लगातार बाजारों और गांवों और कस्बों में जहां संवेदनशीलता है वहां पर भ्रमण किया जा रहा है, लोगों से जगह जगह वार्ता की जा रही है और वार्ता के क्रम में हम आश्वस्त हैं कि कल किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, और यदि कहीं कोई उत्पात करने का प्रयास करता है तो पुलिस पूरी तरह से तैयार है उसमें कार्रवाई करने के लिए। हालांकि इस प्रकार की उत्पात करने की हमको लग रहा है कि समस्या नहीं आएगी। कैंपियरगंज पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों को बसंतपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास रेंज ऑफिस के सामने से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान शरीफ पुत्र अशरफ निवासी ग्राम बसंतपुर टोला अडरिया थाना कैंपियरगंज जनपद गोरखपुर, दूसरा शुभम मद्देशिया पुत्र ईश्वरचंद मद्देशिया निवासी बसंतपुर टोला अडरिया थाना कैंपियरगंज जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से 3 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में कैंपियरगंज थाना प्रभारी रंजीत सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक राकेश कुमार सिंह, उप निरीक्षक अतुल तिवारी, शैलेंद्र कुमार, मधुरेश त्रिवेदी, राघवेंद्र पाल, कांस्टेबल उत्कर्ष यादव, विपिन वर्मा, एकांत सिंह, रणजीत विंद, पवन कुमार गुप्ता, मुकेश कुमार शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, विगत दिनों से थाना कैंपियरगंज की टीम वाहन चोरों के गिरोह की तलाश में सक्रिय थी, तो आज इसमें 2 अभियुक्त शारिफ और शुभम ये पकड़े गए हैं।
इनके पास से तीन मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। सर वाहनों को कहाँ भेजते थे? इनकी जो मुख्य रूप से ये दूसरे लोगों को भेज देते थे और नेपाल भी भेजने की इनकी सूचना मिली है। अभी अभी इस पर छानबीन की जा रही है और जैसे पूछताछ में चीज़ें आगे आएंगी उसके अनुसार कार्रवाई होगी। इसके पूर्व भी जेल गए नहीं? नहीं, इसके पूर्व ये जेल नहीं गए। इनका आपराधिक इतिहास नहीं है, फिर भी देखा जा रहा है, अगर कुछ होगा तो उसको शामिल किया जाएगा। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बुधवार को जनसुनवाई के दौरान कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में दो थानाध्यक्षों को लाइन हाजिर सहित चार को निलंबित कर दिया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि बुधवार को जनता की जो समस्याएं हैं उनको लेकर जनसुनवाई की गई, जिसमें 150 फरियादी आए थे। उनके साथ में संबंधित अधिकारी को बुलाया गया था। दोनों व्यक्तियों से आमने सामने पूछताछ की गई, जिसमें कई मामलों में पुलिस की लापरवाही पाई गई, जिसको देखते हुए बांसगांव थाना प्रभारी, चिलवाताल थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया और चार उपनिरीक्षक को लाइन हाजिर कर दिया गया। इसके अलावा बड़हलगंज थाना प्रभारी, खजनी थाना प्रभारी सहित सात लोगों को चेतावनी दी गई। इसके साथ ही कुछ प्रकरण ऐसे भी थे कि जो कि पुलिस विभाग से संबंधित नहीं थे, जो कि भाइयों के बंटवारे व आपसी पारिवारिक झगड़े, जमीन के बंटवारे के झगड़े थे, जो कि सिविल न्यायालय में विचाराधीन थे। उन्होंने बताया कि कुछ मामलों में फरियादी स्वयं गलत थे, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज था व विपक्षी पार्टी पर भी मुकदमा दर्ज कराने के लिए पुलिस पर दबाव बना रहे थे। ऐसे मामलों में भी जांच करके नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा, अगर कोई व्यक्ति अपनी फरियाद लेकर थाने पर जाता है तो सभी अधिकारी उनके समस्याओं को जिम्मेदारी पूर्वक सुनते हुए उसका निस्तारण करें। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो अपने उच्च अधिकारियों को बताएं, आगे भी इस तरह की कार्रवाई चलती रहेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, को दर दर भटकना पड़ रहा है। इसमें मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर अपनी जिम्मेदारी का वहन ठीक से कर नहीं रहे हैं और यदि मेरे पास यहाँ कार्यालय में भीड़ लगी या अनावश्यक रूप से यहाँ आए तो मैं किसी भी स्तर के कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही कर सकता हूँ। बड़ा खेद हुआ कल मुझे जो मैंने परिस्थितियाँ देखी है, अपनी अपनी जिम्मेदारी का वहन कर नहीं रहे हैं। बीपीओ है, दरोगा है, इंस्पेक्टर है, तीनों स्तर के अधिकारी सचेत हो जाए। यदि कहीं कोई समस्या आई यहाँ पर और मुझे लगा कि संबंधित अधिकारी ने ठीक से कार्यवाही नहीं की है, इससे कार्यवाही हो जाएगी। कल पुलिस लाइन में जनता के लोगों की जो समस्याएं हैं उसको लेकर जन सुनवाई का कार्यक्रम किया गया, जिसमें कि करीब 150 लोग बुलाए गए थे। उन्हीं के साथ में जो उनके संबंधित बीट कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर हैं, जिनकी ये समस्या निस्तारण की जिम्मेदारी थी, उनको भी बुलाया गया था। और बुलाने के बाद दोनों को आमने सामने पूछताछ की गई। इसमें कई मामलों में पुलिस की लापरवाही पाई गई, जिसके चलते दो थाना प्रभारी लाइन हाजिर किए गए और चार सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल निलंबित किए गए हैं। इसके अलावा कई अन्य को चेतावनी दी गई और कई को समयबद्ध रूप से समस्या का निस्तारण करने का आदेश भी दिया गया। इसके साथ ही यह भी पाया गया कि कई फरियादी ऐसे थे जिनके प्रकरण पुलिस विभाग से निस्तारण होने संभव ही नहीं थे। आपसी भाइयों के बंटवारे थे या आपसी पारिवारिक झगड़े थे या आपसी जमीन के बंटवारे के मामले थे, जो कि सिविल न्यायालय में पेंडिंग चल रहे थे। साथ ही यह भी पाया गया कि कुछ मामलों में फरियादी स्वयं गलत थे, उनके ऊपर स्वयं के ऊपर मुकदमा दर्ज था और वो अब विपक्षी पार्टी पर भी पुलिस पर दबाव बनाकर मुकदमा दर्ज करवाना चाह रहे थे। ऐसे मामलों में भी जाँच करके आगे नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि जो भी व्यक्ति थाने पर जाता है, प्रत्येक स्तर का अधिकारी, चाहे वो बीट पुलिस ऑफिसर हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, थाने पर जो भी कर्मचारी है वो उनकी समस्या को जिम्मेदारी पूर्वक सुनते हुए उसका निस्तारण करें और निस्तारण नहीं होने की स्थिति में उच्च अधिकारी समीक्षा करें कि क्यों निस्तारण नहीं हो पाया और फरियादी को साथ बिठाकर उनकी समस्या का कितना निस्तारण संभव है और कितना निस्तारण नहीं संभव है, ये पूरी जानकारी, सही जानकारी उपलब्ध करवाएं। ऐसे कार्यक्रम समय समय पर आगे भी होते रहेंगे और जहां कहीं लापरवाही पाई जाएगी वहां पर, चाहे वो फरियादी हो
तो उनके खिलाफ विधि अनुसार कार्यवाही की जाएगी, और अगर वो पुलिसकर्मी हो तो उनके खिलाफ भी विधि अनुसार कार्यवाही की जाएगी। कि ऐसा अगर जरूरी पाया जाएगा तो कार्यशाला भी आयोजित की गई है हमारे द्वारा, समय समय पर ट्रेनिंग भी दी जाती है, परंतु यह देखने में आया कल कि मामलों इतने गंभीर नहीं थे। गलती केवल यह हो रही थी कि पुलिसकर्मी ठीक से फरियादी को सुनते नहीं थे, और पूरे थाने पर यदि कांस्टेबल ने सुन लिया तो उसे उच्च अधिकारी नहीं सुनते, अगर उच्च अधिकारियों ने सुन लिया तो कांस्टेबल्स उसे नहीं सुनते थे। ये गलत ट्रेंड है। हर प्रत्येक अधिकारी का कर्तव्य है कि जो भी फरियादी उनके पास आता है उसका नियमानुसार कार्यवाही की जाए, और यदि उनको कोई समस्या आती है तो तत्काल अपने उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाकर उनसे मार्गदर्शन लिया जाए, जो कि समय समय पर उनको उपलब्ध करवाया जाता है। उसके अलावा प्रतिदिन अधिकारियों द्वारा जन सुनवाई होती है, हम भी कार्यालय में बैठते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं। अक्सर यह देखने में आता है कि लोग छोटी छोटी समस्याओं के लिए जगह जगह भटकते हैं, जगह जगह अधिकारियों के पास जाते हैं, जबकि उनका निस्तारण थाने स्तर से भी संभव है। हमारा उद्देश्य है कि ऐसे प्रकरणों में जो थाने की पुलिस है वहाँ प्रत्येक अधिकारी, चाहे वो DPO हो, सब इंस्पेक्टर हो, इंस्पेक्टर हो, अपनी जिम्मेदारी को समझें और प्रत्येक फरियादी को सुनकर उसकी समस्या का निस्तारण करावें। यदि कोई बड़ी समस्या है तो हमारे स्तर से निस्तारित होगी, परंतु कल का कार्यक्रम में यह सामने आया कि ऐसा कोई बड़ा मामला था नहीं जिसका कि जिला स्तर पर कोई संबंध हो। ज़्यादातर मामले छोटे मोटे थे, नाली के विवाद, खड़ंजे के विवाद, पति पत्नी के विवाद, माँ बेटे के विवाद थे, कुछ मुकदमों में सही कार्यवाही नहीं हो रही थी जिससे लोग संतुष्ट नहीं थे। इस प्रकार के कार्यवाही थी जिसमें कि थाना स्तर से निस्तारण संभव है, और इसमें उद्देश्य यही है। जनता को भी यही अपील है कि अनावश्यक रूप से ना घूमें। जहाँ निस्तारण संभव नहीं है, जिस मामले में बता दिया गया उसमें बार बार एप्लीकेशन ना दें, संबंधित विभाग को जाकर एप्लीकेशन दें ताकि संबंधित विभाग उसका निस्तारण करे। प्रत्येक कार्यवाही पुलिस से अपेक्षा करना गलत है। पुलिस के कुछ नियम कायदे कानून हैं जिनके तहत पुलिस कार्य करती है, और जो कुछ प्रकरण पुलिस के दायरे में आते हैं उन्हीं का निस्तारण पुलिस विभाग द्वारा संभव है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कहा, शुक्रवार की जुमे की नमाज अपने अपने जनपदों में सकुशल संपन्न कराए अधिकारी, कहीं पर भी न होने पाए कोई समस्या। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व SSP डॉक्टर विपिन ताडा की अध्यक्षता में कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र में किया फ्लैग मार्च, लोगों से की वार्ता। कहा, शुक्रवार को जुमे की नमाज होगा सकुशल संपन्न, लोगों ने दिलाया है भरोसा। अग्निपथ योजना के खिलाफ जनपद के युवाओं में भी देखने को मिला आक्रोश। जीरो पॉइंट कालेश्वर पर किया प्रदर्शन, युवाओं ने केंद्र सरकार को संबोधित। ज्ञापन SDM सहजनवा के माध्यम से किया प्रेषित। SP नॉर्थ ने कहा, ज्ञापन लेकर समझा बुझाकर युवाओं को कराया गया शांत। गोरखपुर में शुक्रवार को 255 बेटियों के हाथ पीले कराएगी योगी सरकार। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत महंत दिग्विजयनाथ स्मृति पार्क में होगा भव्य आयोजन। योजना के तहत प्रदेश में 2,00,000 से अधिक बेटियों का विवाह करा चुकी है सरकार। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व SSP डॉक्टर विपिन ताडा की अध्यक्षता में शांति व्यवस्था के दृष्टिगत किया गया दंगा नियंत्रण अभ्यास। कहा, शुक्रवार को जुमे की नमाज पर नहीं होने दिया जाएगा जनपद में कहीं कोई समस्या। अराजकता फैलाने वालों के ऊपर की जाएगी कड़ी कार्रवाई, तैयारी है पूरी। कैंपियरगंज पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल चोरों को किया गिरफ्तार। 3 चोरी की मोटरसाइकिल किया बरामद। SP नॉर्थ ने किया खुलासा। बुधवार को जनसुनवाई के दौरान कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में SSP डॉक्टर विपिन ताडा ने 2 थानाध्यक्षों को लाइन हाजिर सहित 4 उपनिरीक्षक को किया निलंबित। कहा, आगे भी जनसुनवाई की चलती रहेगी कार्यवाही, लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मी पर होगी कार्यवाही। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ZDO उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा कि महानगर के विकास के लिए अगले 20 साल के लिए बनाई जा रही है महायोजना, सभी विभागों से लिया जा रहा है सुझाव। सुझाव मिलने के बाद बोर्ड की बैठक करके किया जाएगा पास। 3 महीनों के अंदर ही लोगों को मिलेगा महायोजना का लाभ।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने मंडल के सांसद निधि के कार्यों की समीक्षा बैठक। सांसद निधि के बचे पैसों से कार्य करवाने के लिए दिए निर्देश। ड्रोन के माध्यम से एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने गोरखनाथ मंदिर से आसपास के घरों पर रखे ईंट पत्थरों की निगरानी। कहा, जिनके भी घरों पर रखा है ईंट पत्थर उनको हटाने के लिए घरों पर दिया जाएगा नोटिस। देश में बढ़ रही इस्लामिक जिहादी कट्टरता और हिंसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर बजरंग दल के प्रांत संयोजक एवं सह संयोजक के नेतृत्व में एसडीएम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को प्रेषित किया गया ज्ञापन। कहा, रोका जाए किसी को भी जिहादी और देश विरोधी भाषण देने से। गुरुवार से जनपद में परिषदीय स्कूलों में पढ़ाई हुई शुरू। टीका लगाकर व चॉकलेट देकर बच्चों का हुआ स्वागत। इस भीषण गर्मी में भी बच्चे दिखे काफी उत्साहित। और मौसम पर जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा कि अगले 5 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में चलेगी तेज हवाएं, होंगी छिटपुट बारिश। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। 2 की ड्राईक्लीन पर 1 कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044666300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने महायोजना पर बोलते हुए कहा कि महानगर के अगले 20 साल के विकास के लिए महायोजना बनाई जा रही है, जिसकी तैयारी चल रही है, जिसमें मंडलायुक्त के द्वारा सभी विभागों से सुझाव लेने के लिए बताया गया है, जिससे उनके सुझाव को भी इस महायोजना में शामिल किया जाए, जिसको देखते हुए सभी विभाग अपना अपना सुझाव दे रहे हैं, जो कि अभी जारी है। सभी सुझावों को बोर्ड में रखा जाएगा। जीडीए बोर्ड उस पर निर्णय लेकर के जो भी बदलाव करना है उस पर चर्चा करके पास हो जाएगा। उन्होंने कहा, अगले 3 महीनों के अंदर ही महायोजना शहरवासियों को मिल जाएगी और शहर के
विकास में फायदा मिलेगा, जिसमें सड़क चौड़ीकरण, मोहल्लों के नक्शा पास सहित अन्य योजना शामिल है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीओ उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा, देखिए जैसे कि हम सभी को पता है कि गोरखपुर की निरंतर विकास हेतु अगले 20 साल के लिए एक नई महायोजना बनाई जा रही है और महायोजना अभी उसी प्रोसेस में है बनने के। इसमें आयुक्त महोदय द्वारा सभी विभागों से कंसल्टेशन के लिए बोला गया है ताकि वो क्या इस शहर के बारे में सोचते हैं और उनका क्या सुझाव है उसको भी इसमें सम्मिलित किया जाए। तो उसी क्रम में एक बैठक हुई थी और उसके बाद सभी विभाग इसमें अपना अपना सुझाव दे रहे हैं, तो अभी उसी स्टेज पे है। सारे विभागों से जो सुझाव आएगा उन सारे सुझावों को बोर्ड में रखा जाएगा और बोर्ड उस पर फिर निर्णय लेके और जो भी उसमें चेंजेस करने होंगे या नहीं करने होंगे वो सारा करके बोर्ड से पास हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर ही महायोजना इस शहर को मिल जाएगी और शहर के सुनियोजित विकास में हमें फ़ायदा मिलेगा। देखिए ये महायोजना जो होती है वो पूरे शहर के लिए होती है, तो पूरे शहर को ही लाभ मिलता है। इसमें बहुत सारे नए रेजिडेंशियल एरिया क्रिएट किए जाते हैं, बहुत सारे नए कॉमर्शियल एरिया क्रिएट किए जाते हैं, बहुत सारे नए नए रोड के चौड़ीकरण का प्रस्ताव होता है, नए रोड्स का प्रस्ताव होता है। जो ऐसे बहुत सारे मोहल्ले हैं जो कि विनियमितीकरण में चल रहे हैं वो उसमें रेगुलर होने की उसमें संभावना रहती है, तो उसको भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो बहुत सारे यहाँ मोहल्ले ऐसे हैं जो कभी वहाँ पर नक्शा पास नहीं होता था, कभी उसके लिए किसी महायोजना में प्रयास नहीं किया गया, इस बार उसमें प्रयास किया जा रहा है, उसको बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा। तो इस तरह से काफ़ी वो हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये पूरे शहर को ही फायदा होगा, इससे कहीं ना कहीं हम सभी लोग जो भी शहर में रहते हैं सभी लाभान्वित होंगे। मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने सांसद निधि के कार्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडलीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने गोरखपुर जिले के दोनों सांसदों के निधि की समीक्षा करते हुए कहा, सदर सांसद रवि किशन के निधि की लगभग 4 करोड़ से ऊपर की धनराशि शेष बची है। इसी तरह बांसगांव सांसद कमलेश पासवान के निधि की भी 4 करोड़ की धनराशि शेष बची है। कुल 9 करोड़ की गोरखपुर जिले में सांसद निधि से कार्य होना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी मंडल के सभी जिले सांसद निधि के पैसों से जो कार्य होना है उसको जल्दी करा ले। इस अवसर पर सीडीओ इंद्रजीत सिंह, सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पहला दिन तो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के लिए उससे कम दिया हुआ, बाकी सभी माननीय सांसद का जो सवाल के साथ और लोकसभा में सर ग्राम त्रिपाठी जी का उनका देखना की किस वजह से नहीं हुआ। जेपी जेपी आपका सर एक्चुअली मैं वही रिव्यू कर रहा था सर। जेपी में भी सर इंटरेस्टिंग इनका ये कहना है बीबी ठाकुर साहब जो परियोजना है वहाँ फंक्शनल नहीं, मैंने स्थापित नहीं हुई है पहली बार भी, नॉट इवन वंस दे हैव बीन इंस्टॉल्ड, क्या वो नॉन फंक्शनल हो गई आउट ऑफ यूज या खराब होल्ड। तो सर इसमें से मुझे रिव्यू करना होगा सर, इससे पहले मैंने नहीं देखा था सर इस बारे में। पहला तो माननीय सांसद जी कमलेश पासवान जी का है, ठीक है, इसमें 7 करोड़ पूरा तो आ चुका है, ठीक है, अभी तक अनस्पेंट बैलेंस करीब 4.5 करोड़। सांसद जी से रिक्वेस्ट करके वो पैसा जल्दी आप मंगवा लीजिए, मतलब उनका प्रपोजल्स मंगवा लीजिए, कहीं पर भी इन्वेस्ट होना है तो तत्काल में उसका है ना काम शुरू हो जाए, एस्टिमेट बनवा करके करा दीजिए सर, ठीक है। नेक्स्ट माननीय सांसद जी रवि किशन शुक्ला जी का है, यहाँ पर भी 4.49 ऑलमोस्ट पेंडिंग है। देखो अनस्पेंड बैलेंस मतलब बहुत ज़्यादा है,
4.5 करोड़ अभी भी पेंडिंग है। एक्चुअली क्या होगा कि हम उस पर अपडेट करा देंगे सर। एक तो कृपया सभी डीएम्स नोट कर लीजिए, इसमें भी अपलोड करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज जितने भी पेंडिंग होते जाएगा। फॉर एग्जांपल हम लोग गोरखपुर का दोनों माननीय सांसदों का देखेंगे तो दोनों सांसदों का 4.49 करोड़ अभी भी अनस्पेंट बैलेंस दिख रहा है, मतलब इट्स ऑलमोस्ट 9 करोड़ अभी अनस्पेंट बैलेंस है, मतलब ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैं फर्स्ट किस्त अभी रिलीज कर, मैं कितना बाकी है सर सेकेंड इंस्टॉलमेंट के हिसाब से आपसे पैसे वो करवा दीजिए सर। सिर्फ है माननीय सांसद जी अराउंड 3 करोड़ पेंडिंग है सेकेंड सर। ठीक है, वो 2.1 करोड़ अभी हो गया है तो इसको हम लोग कार्रवाई होनी है, वो सब सारा देख रहे हैं, कुछ सैंक्शन हो जा रहे हैं तो इमीडिएट रिलीज हो जाए और जो पेनल्टी बची हुई है एक एक महीने के अंदर हम जांच लगा इसको क्लियर आउट करेंगे। ठीक है, जल्दी करा दीजिए। नेक्स्ट सर, टेबल क्या एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई के द्वारा गोरखनाथ मंदिर में स्थित पुलिस चौकी के पास से ड्रोन के माध्यम से आसपास के घरों की निगरानी की गई, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि पिछले सप्ताह शुक्रवार को हुए प्रयागराज सहित अन्य जिलों में हुई घटनाओं को देखते हुए गोरखनाथ थाना क्षेत्र के चकसा हुसैन नूरी मस्जिद के आसपास के घरों पर पड़े ईटा पत्थर के घरों का फोटो लिया जा रहा है। इन सभी घरों को 149 सीआरपीसी के तहत नोटिस दिया जाएगा कि इन सभी ईटा पत्थरों को समय रहते छत पर से हटा लें। उन्होंने कहा ड्रोन से निगरानी के दौरान कुछ घर चिन्हित हुए हैं जिनके छतों पर ईटा पत्थर थे, आज ही उनको नोटिस दिया जाएगा जिससे कि यह लोग कल तक अपने घरों से ईट पत्थर हटा लें, क्योंकि यह कार्यवाही आगे भी चलती रहेगी। पिछले दिनों 54 लोगों को नोटिस दिया गया था, अब उन घरों से ईटा पत्थर को हटा लिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा वैसे एक रुक लीजिए, आप इधर आ जाएंगे एक मिनट, इसको सर बोल्ड करिए, बोल्ड करिए इधर Thank you.
होता है ना पास में। जनपद गोरखपुर में पिछले सप्ताह प्रदेश में हुए विभिन्न स्थानों पर घटनाओं को देखते हुए तीसरी बार आज फिर से ड्रोन से सर्विलांस किया जा रहा है। ये गोरखनाथ थाना क्षेत्र के एरिया में चकसा हुसैन, नूरी मस्जिद वगैरह इस सब क्षेत्रों के अंदर विभिन्न घरों की छतों पर पड़े ईंटा पत्थर वगैरह इन सबका फ़ोटो लिया जा रहा है एवं इन सभी घरों को 149 CRPC के तहत नोटिस दिया जाएगा एवं इन ईंटा पत्थर को समय रहते हुए इनको हटाने के लिए निर्देशित किया जाएगा। हाँ, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ में इन घरों को आइडेंटिफाई किया गया है और इन्हीं आइडेंटिफिकेशन के साथ में इनको नोटिस आज ही प्रदान किया जाएगा ताकि कल तक ये सब अपने घरों से ईंट पत्थर हटा लें। सर, क्या इस तरह की कार्रवाई आगे भी चलेगी? ये कार्रवाई अनवरत जारी रहेगी जब तक के लिए ऑलमोस्ट अपने कंस्ट्रक्शन के निर्माण के अलावा किसी प्रकार का कोई ईंट पत्थर ऊपर रखा हुआ या फिर घर के सामने रखा हुआ हटाना लिया जाए। सभी 54 घरों से ईंटा पत्थर हटा लिए गए हैं एवं आज की जो कार्रवाई है ये नए तरीके से और बाकी क्षेत्रों में कोतवाली क्षेत्र था पिछली बार चिन्हित, इस बार गोरखपुर गोरखनाथ थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई की जा रही है। गोरखपुर जनपद में पिछली बार भी लोकल इंटेलिजेंस के तहत शांतिपूर्ण तरीके से जुम्मे की नमाज अदा की गई थी एवं इस बार उससे भी ज़्यादा अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। आज सुबह ही राइड कंट्रोल ड्रिल पुलिस के अधिकारियों एवं मजिस्ट्रेसी के साथ में राइड ड्रिल कंडक्ट की गई थी पुलिस लाइन में एवं आज सभी धर्मगुरुओं के साथ एवं जितने भी मदरसों के और जितने भी टीचर्स हैं उन सबके साथ मीटिंग की गई है एवं निरोधात्मक रूप में किसी प्रकार के कोई दंगाई, किसी प्रकार के रोड के किनारे पड़े भी पत्थर का दुरुपयोग ना करें उसके लिए ड्रोन से सर्विलांस। जनपद में हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जिसमें थाना गोरखनाथ क्षेत्र में 13 हॉटस्पॉट हैं, कोतवाली में 15 हॉटस्पॉट्स हैं। इन सब हॉटस्पॉट्स के ऊपर ही ड्रोन सर्विलांस से पिछले सप्ताह जनपद में 54 जगहों पर नोटिस दिए गए थे एवं 54 जगहों से आइटम पत्थर खाली करवा लिए गए हैं। इसी मुहिम में ही आज भी ड्रोन उड़ाया जा रहा है। देश में बढ़ रही इस्लामिक जिहादी कट्टरता और हिंसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर कचहरी बस स्टैंड स्थित विश्व हिंदू परिषद कार्यालय के समीप बजरंग दल के प्रांत संयोजक पूर्णेंदु शाही एवं सह संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी के नेतृत्व में इकट्ठा होकर नारेबाजी की तथा संबोधित ज्ञापन SDM के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को प्रेषित किया, जिसके संबंध में बजरंग दल के सह संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी ने बताया कि संपूर्ण देश का हिंदू समाज इन हमलों से आहत है और आक्रोशित भी है। देश भर का हिंदू समाज के धरने और ज्ञापन के माध्यम से इन घटनाओं के विरुद्ध अपना आक्रोश व्यक्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि किसी को भी जिहादी भाषण देने से रोका जाए। इस अवसर पर प्रांत संगठन मंत्री परमेश्वर कुमार, प्रांत सुरक्षा प्रमुख मनोज गौड़, अभय शाही, जिला संयोजक उत्तरी आलोक, सूर्यनाथ सिंह, प्रमोद शुक्ला, शुभम पांडे, ऋतु सिंह, अभिलाषा त्रिपाठी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सह संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा, मुर्दाबाद। अपने बजरंग दल के प्रांत के संयोजक समाज
मजदूर समाज है हमेशा सहता रहा है और सहने वाला ही काम करता है, कभी भी प्रशासन और शासन के विपरीत नहीं जाता। लेकिन ऐसे लोग शासन प्रशासन को उंगली दिखा करके और विशेष दिन पर शासन को नीचे दिखाने की नीयत से सड़क उतर रहे हैं और हिंदुओं को निशाना बनाकर उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, इसी मांग के साथ आज बजरंगदल पूरे भारतवर्ष में आज सड़कों पर उतरा है और एक निवेदन किया है कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जो एक विशेष दिन पर निकल करके पत्थरबाजी करते हैं और जन माल की हानि करते हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दूसरा ये मांग किया गया है कि ऐसे वो सब व्यक्ति जो चिन्हित हैं उनके जो भाभी हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत बेहतरीन बहुत शानदार काम कर रही है, ऐसे ही कठोर कार्रवाई की, उनके आने वाली पुस्तें भी याद रखें कि ऐसा अगर उन्होंने किया तो उनके साथ क्या होने वाला है। दूसरा, जो भड़काऊ बयान दे रहे हैं, जो हिंदू देवी देवताओं के ऊपर लगातार रक्त उतर रहे हैं और हिंदू कभी कुछ नहीं बोलता है, आज एक छोटे से पिछले छोटे को जितना बड़ा ड्रामा किया गया है, वर्षों से हिंदू देवी देवताओं को लेकर के इनके मौलिक मोर्चा कहते रहे लेकिन कभी हिंदू समाज ने, ऐसे लोगों को भी कार्रवाई की जाए और उनको बोलने के लिए रोका जाए, को ऐसे बयान न दे। तो जिन मस्जिदों और उससे अभी ये कार्यक्रम हुए हैं पत्थर फेंके गए हैं उन सबकी जाँच कराइए, वहाँ पे एनआईए की टीम जाए, उन सबकी जाँच करें, वहाँ पर शायद साथ में जो ये इस्लामिक कट्टरवाद फैला रहे हैं ऐसे संगठन जो बीच में हम लोग के जहर घोल रहे हैं, ऐसे संगठनों को चिन्हित किया जाए और उनका कठोर कार्रवाई की जाए। ऐसे कुछ मांगों के साथ आज हम सब लोग गोरखपुर महानगर के कार्यकर्ताओं के साथ हाजिर कर चुका है। आज हमारी सभा का नेतृत्व राष्ट्रपति से भी अनुरोध कर रहे हैं कि वो हम लोग की मांग पर करते हुए और जल्दी से जल्दी ऐसी कठोर कार्रवाई करें ताकि उनके जो है वो नाक बन करके बंद हो सके। पूरे भारतवर्ष में आज बजरंग दल ने लगातार हिंदुओं को निशाना बनाकर विभिन्न राज्यों में जो घटनाएं हुई, साथ ही में जो अभी उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिलों में जो घटनाएं हुई जिसमें एक विशेष लोग जिनको भारत के संविधान में भारत के कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं है, ऐसे लोग सड़कों पर पत्थर लेकर उतरते हैं और कानून व्यवस्था की धज्जी उड़ाते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भजंग दल ने आज यहाँ पर एक राष्ट्रपति जी को ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी के महोदय के द्वारा भेजा है और एक मांग की है कि ऐसे लोगों पर अगर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई, ऐसे लोगों को अगर नहीं रोका गया तो आने वाले समय में भारत फिर विखंडन की स्थिति में आ जाएगा और ये जहाँ पर रहेंगे वहाँ पर इस तरह की वारदात को अंजाम देते रहेंगे। इसलिए भजंग दल मांग करता है कि ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई की जाए, उनको चिन्हित किया जाए, जो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कर रहे हैं ऐसे उनके घरों को बुलडोजर से गिरा दिया जाए। साथ में वो स्थान जहां से ये कार्रवाई हो रही है, जहां पे इकट्ठा होकर के लोग ये कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं, ऐसे स्थानों के एनआईए से जांच होनी चाहिए, वो लोग जो वो संगठन जो है ऐसे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं उनके ऊपर जाँच होनी चाहिए, उनको सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। साथ में ऐसे मौलाना मौलवी, ऐसे लोग जो भारत हिंदू देवी देवताओं के बारे में शब्द कहते रहे हैं और कहते आए हैं, ऐसे लोगों पर भी तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जो है कड़ी से सजा देनी चाहिए। जनपद में परिषदीय स्कूलों में गुरुवार से बच्चों का आना शुरू हो गया, अब स्कूल कैंपस में शोरगुल की आवाज़ सुनाई देगी। आपको बता दें कि 20 मई से 15 जून तक स्कूल बंद था, अब 16 जून को शासन के आदेश पर स्कूल खुला है तथा 26 दिनों के बाद जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो वहां पर टीचर द्वारा उन्हें टीका लगाकर स्कूल के अंदर प्रवेश कराया, जिसके संबंध में बेतीहाता स्थित बनकटी चक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य उर्मिला राय ने बताया कि स्कूल 20 मई से बंद था, अब 16 मई से स्कूलों को खोला गया है, लेकिन इतनी गर्मी में भी बच्चे काफी उत्साहित हैं तथा बच्चों को स्कूल में आने से पहले उन्हें टीका लगाया गया और चॉकलेट भी दिए गए। उन्होंने बताया कि कुछ पेरेंट्स की शिकायत भी आई है कि काफी तेज धूप हो रही है, बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन स्कूल में पूरी तरह की सुविधा है। वही स्कूल आए हुए बच्चों ने बताया कि स्कूल 20 दिनों से बंद था, आज स्कूल खुला है, हम लोगों को अच्छा लग रहा है। बच्चों ने बताया कि हम लोगों का स्वागत चॉकलेट देकर और टीका लगाकर किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बनकटी चक प्राथमिक विद्यालय के बच्चे एवं कार्यवाहक प्रधानाचार्य उर्मिला राय ने कहा, आज तुम लोग का स्वागत कर रहे हैं कि 20 दिन के बाद विद्यालय खुला है।
आदित। आज स्कूल खुला है? यस सर। और स्कूल में आया कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। किस तरह से आपको स्वागत किया गया पहले दिन का? चॉकलेट देके और टीका लगाया है। घर पे किस तरह पढ़ाई कर रहे थे? किस तरह से पढ़ाई कर रहे थे आप? हाँ घर पे पढ़ाई करते हैं। कर रहे थे पढ़ाई? अब स्कूल आ रहे हैं आप? हाँ। कैसा क्या? अच्छा लग रहा है। रिया रिया स्कूल बंद होने के बाद आप घरों पर थी, किस तरह से पढ़ाई कर रहे थे घर पे आप? अच्छे से अच्छे से। ट्यूशन ट्यूशन है? कहाँ घूमने गए थे छुट्टी के दिनों में? घर घर के अलावा कहाँ कहाँ घूमने गए थे छुट्टी में आप? इतने दिन छुट्टी थी, कहीं घूमने गए थी आप? कहाँ घूमने गए थे? आज स्कूल में आई है, किस तरह से आपका स्वागत किया गया है? टीचर लगाया गया है, टॉफी दिया गया है। कहाँ अच्छा लगता है, घर पे कि स्कूल में? स्कूल में। किस तरह पढ़ाई होती है यहाँ पे? अच्छे से। देवांश देवांश अच्छा लग रहा है। कैसी पढ़ाई होती है स्कूल में? अच्छा होता है पढ़ाई। कितने छुट्टी होने के बाद स्कूल में आए, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है। उर्मिला राय इंचार्ज प्रधान अध्यापक। आज से हम लोग का स्कूल 20 मई से बंद था और 16 मई को फिर खुला है, तो गर्मी तो है लेकिन तब भी बच्चे उत्साहित हैं और बच्चों के आने पर उनका स्वागत किया गया टीका लगा करके, चॉकलेट वगैरह दे करके, तो बच्चे बहुत खुश हैं और आने के लिए उत्सुक भी हैं। बच्चों में किस तरह क्या किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर? अब इतनी गर्मी पड़ रही है तो बच्चे अब इतने दिन घरों पर थे, आप स्कूल में आ रहे हैं? हाँ, कुछ गार्जियन कह रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप है, मेरे बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, तो इतनी गर्मी में हम कैसे स्कूल भेजें। और कुछ बच्चे अभी नानी उनी के यहाँ हैं, वो लोग नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए संख्या थोड़ी कम चल रही है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगी, लोग भेजेंगे। आप गार्जियन से किस तरह से बच्चों को स्कूल आने के लिए अपील कर रहे हैं? अब जैसे गार्जियन भाई के ऊपर हम बहुत प्रेशर नहीं डाल पा रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं कि मेरा बच्चा बीमार पड़ जाएगा, धूप तेज़ है, तो अब उनको ये कहा जा रहा है कि बच्चे यहाँ आएंगे तो यहाँ से धूप में वो बाहर नहीं जाएंगे, कहीं खेलेंगे नहीं, और अगर आप चाहें तो बच्चों को भेज सकती हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उनको क्लास में ही बैठना है, बाहर कहीं घूमना नहीं है। हमारे यहाँ फील्ड भी बहुत बड़ी नहीं है कि बच्चे घूमेंगे उसमें, तो क्लास में रहेंगे, पढ़ाई होगी, उनको बताया गया है। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने मौसम पर बोलते हुए कहा कि मौसम विभाग के अनुसार जो सूचना प्राप्त हुई है, आगामी 4-5 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में झोंकेदार हवा चलने की संभावना व्यक्त की गई है, जो 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। कुछ जगहों पर शुक्रवार से छिटपुट वर्षा होगी जो कि 2-3 दिनों तक चलेगी और धीरे धीरे मानसून का आगमन हो जाएगा। उम्मीद है कि अगले 2-3 दिनों पर मौसम प्रतिकूल होता जाएगा। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे मानसून नज़दीक आता है वैसे ही गर्मी बढ़ती जाती है, लेकिन धीरे धीरे बारिश के बाद कम हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा। जो IMD ने हमें इन्फॉर्मेशन दी है उसके अनुसार इन्होंने दिया हुआ है कि एक दो स्थानों पर गर्जन के साथ बिजली चमकने और तेज स्थायी हवा 30 से 40 किलोमीटर चलने की संभावना इन्होंने व्यक्त की है। तो ये अभी अगले 16 तारीख से लगा है, 19 तारीख तक की जो रिपोर्ट है वो हमें वर्षा भी मिल गया। देखिए, जो मौसम विभाग द्वारा हमें सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार अभी आगामी 4-5 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश और ख़ासतौर से इस क्षेत्रों में झोंकेदार हवा चलने की संभावना उन्होंने व्यक्त की है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी बात मौसम विभाग द्वारा बताई गई है और यह संभव है कि कल शाम के बाद से कुछ जगहों पर छुटपुट वर्षा प्रारंभ हो और अगले 2-3 दिनों तक इस तरीके से थोड़ी वर्षा हो और धीरे धीरे फिर मानसून का आगमन हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि अगले 3-4 दिनों में मौसम जो रहेगा वो धीरे धीरे प्रतिकूल होता जाएगा। सर,
इतनी गर्मी पड़ रही है, मौसम इतना इतनी धूप हो रही है लोगों से क्या? देखिए इस समय चूँकि जैसे जैसे मॉनसून करीब में आने जाता है ह्यूमिडिटी थोड़ी बढ़ती चली जाती है। इस समय जो आप देखेंगे तो ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, पसीने बहुत हो रहे हैं, तो ये धीरे धीरे जब मॉनसून करीब आता है तो इस तरीके से आर्द्रता थोड़ी बढ़ती है। तो अब इस मौसम में अधिक से अधिक लोग पानी का सेवन करें, कोशिश करें कि बाहर ना निकलें, धूप जब तेज़ हो तो उस समय भी अपने अवॉइड करें बाहर निकलने को, और पानी का अधिक से अधिक सेवन करें, ये एक इम्पॉर्टेंट इशू रहेगा पब्लिक के लिए। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कहा शुक्रवार की जुमे की नमाज अपने अपने जनपदों में सकुशल सम्पन्न कराए अधिकारी, कहीं पर भी न होने पाए कोई समस्या। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा की अध्यक्षता में कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र में किया फ्लैग मार्च, लोगों से की वार्ता। कहा शुक्रवार को जुमे की नमाज होगा सकुशल संपन्न, लोगों ने दिलाया है भरोसा। अग्निपथ योजना के खिलाफ जनपद के युवाओं में भी देखने को मिला आक्रोश। जीरो पॉइंट कालेश्वर पर किया प्रदर्शन, युवाओं ने केंद्र सरकार को संबोधित। ज्ञापन एसडीएम सहजनवा के माध्यम से किया प्रेषित, एसपी नॉर्थ ने कहा ज्ञापन लेकर समझा बुझाकर युवाओं को कराया गया शांत। गोरखपुर में शुक्रवार को 255 बेटियों के हाथ पीले कराएगी योगी सरकार। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत महंत दिग्विजयनाथ स्मृति पार्क में होगा भव्य आयोजन। योजना के तहत प्रदेश में 2,00,000 से अधिक बेटियों का विवाह करा चुकी है सरकार। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा की अध्यक्षता में शांति व्यवस्था के दृष्टिगत किया गया दंगा नियंत्रण अभ्यास। कहा शुक्रवार को जुमे की नमाज पर नहीं होने दिया जाएगा जनपद में कहीं कोई समस्या। अराजकता फैलाने वालों के ऊपर की जाएगी कड़ी कार्रवाई, तैयारी है पूरी। कैंपियरगंज पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल चोरों को किया गिरफ्तार, 3 चोरी की मोटरसाइकिल किया बरामद, एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। बुधवार को जनसुनवाई के दौरान कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने 2 थानाध्यक्षों को लाइन हाजिर सहित 4 उपनिरीक्षक को किया निलंबित। कहा आगे भी जनसुनवाई की चलती रहेगी कार्यवाही, लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मी पर होगी कार्यवाही। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीओ उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा कि महानगर के विकास के लिए अगले 20 साल के लिए बनाई जा रही है महायोजना, सभी विभागों से लिया जा रहा है सुझाव। सुझाव मिलने के बाद बोर्ड की बैठक करके किया जाएगा पास, 3 महीनों के अंदर ही लोगों को मिलेगा महायोजना का लाभ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने मंडल के सांसद निधि के कार्यों की समीक्षा बैठक। सांसद निधि के बचे पैसों से कार्य करवाने के लिए दिए निर्देश। ड्रोन के माध्यम से एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने गोरखनाथ मंदिर से आसपास के घरों पर रखे ईंट पत्थरों की निगरानी। कहा जिनके भी घरों पर रखा है ईंट पत्थर उनको हटाने के लिए घरों पर दिया जाएगा नोटिस। देश में बढ़ रही इस्लामिक जिहादी कट्टरता और हिंसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर बजरंग दल के प्रांत संयोजक एवं सह संयोजक के नेतृत्व में एसडीएम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को प्रेषित किया गया ज्ञापन। कहा रोका जाए किसी को भी जिहादी और देश विरोधी भाषण देने से। गुरुवार से जनपद में परिषदीय स्कूलों में पढ़ाई हुई शुरू, टीका लगाकर व चॉकलेट देकर बच्चों का हुआ स्वागत। इस भीषण गर्मी में भी बच्चे दिखे काफी उत्साहित। और मौसम पर जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा कि अगले 5 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में चलेगी तेज हवाएं, होंगी छिटपुट बारिश। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।